हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप अपने हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप अपने यूट्यूब वीडियो के लिए मीम्स और वीडियो क्लिप्स कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसे आप अपने वीडियो में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आप लोग कितने बार देखते होंगे कि बहुत सारे वीडियो में ऐसे मीम्स आ जाते हैं, कुछ कुछ वीडियो चलते रहता है और अचानक एक मीम्स आ जाता है जिसे देखकर आप भी बहुत एंजॉय करते होंगे। लेकिन फ्रेंड, हमें डर लगता है कि अगर हम अपने वीडियो में कॉमेडी मेमेज यूज़ करते हैं या कोई वीडियो क्लिप यूज़ करते हैं तो हमें कोई कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए या कॉपीराइट क्लेम ना पड़ जाए। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको दो मेथड बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आपको किसी भी तरह का कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा, जिससे कि आप अपने वीडियो में फ़नी मेम्स या क्लिप्स यूज़ करके डाउनलोड करेंगे तो आपके वीडियो में कोई भी कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। आप बेफिक्र होकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं, फिर अपने वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, यह वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिलते रहे हमारे वीडियो का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, आपको कोई सा भी फ़नी मेमेस अगर यूज़ करने का है जो आप अपने वीडियो में यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई फ़नी डायलॉग रहेगा या फिर कोई वीडियो क्लिप रहेगा जो आपको अपने वीडियो में यूज़ करना है जिसे आपको कॉपीराइट क्लेम भी ना पड़े, तो आपको उसको यूट्यूब से ही डाउनलोड करना पड़ेगा। आप यूट्यूब से आप डाउनलोड कर सकते हैं आपको। तो फिर यहाँ पे जैसे कि आपको संजय दत्त का मेमे चाहिए नहीं वाला, तो आपको संजय दत्त करके लिखना पड़ेगा, संजय दत्त मेमेस। फिर उसमें आपको कुछ ये सेटिंग करनी पड़ेगी। आपको ये थ्री डॉट में क्लिक मारने का है। ये थ्री डॉट में क्लिक मारने के बाद आपको फिल्टर में क्लिक मारने का है। फिल्टर में क्लिक मारने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस, उसमें क्लिक मारने का है। वो सेलेक्ट करने के बाद आपको अप्लाई कर देने का है। आपको नीचे में जाके सिर्फ डिस्क्रिप्शन में दिखना रहेगा कि क्रिएटिव कॉमन्स एट्रिब्यूशन लिखा है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि ये रीयूज के लिए अलाउ किया गया है। तो आप ये वाला वीडियो क्लिप आप किसी भी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं, तो जिससे आपको किसी भी तरह का कॉपीराइट क्लेम नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये था पहला मेथड। आपको मैं दूसरा मेथड भी बता देता हूँ जिससे आप फनी वीडियो क्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। मेथड के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में जाने का है और यहाँ पे आपको सर्च बार में लिखने का है, आपका एक वेबसाइट है lipsy.com करके। तो दोस्तों, ये lipsy.com जैसे ही ओपन हो जाता है तो आपको इसमें बहुत सारे आपको फनी मेमेस मिल जाएंगे जिसको आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का कॉपीराइट क्लेम नहीं होगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वाला वीडियो में यूज़ कर लेता हूँ, ये जो सबसे ज़्यादा फेमस है अभी। आप उसको पहले एक बार देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें आपको नीचे में आपको एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड करके, जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसमें आपको डाउनलोड में क्लिक मारने का है। तो जैसे आप ये डाउनलोड में क्लिक मारेंगे तो आपका ये फाइल गैलरी में जाके सेव हो जाएगा जिसको आप किसी भी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का कॉपीराइट क्लेम नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहे।